सिद्धू मूसेवाला की होई हत्या तो बाद श्रोमणी अकाली दल बादल अते पंजाब भाजपा के आगुआ ने राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल बखरे बखरे तौर उत्ते चंडीगढ़ विच मुलाकात की है। दोवां पार्टियां दे आगुआ ने पंजाब सरकार नूं तुरंत बर्खास्त करन दी मंग की है। इसे दौरान श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जेकर पंजाब सरकार गलत फैसला ना लैंदी तां सिद्धू मूसेवाला अज जिंदा हुंदा। उन्हां कहा कि पुलिस विच सिक्योरिटी थ्रैट प्रोटैक्शन कमेटी है जो समीक्षा करती है, परंतु सीएम ने खुद ही आर्डर कर दिते अते सिक्योरिटी घटा दिती। सुखबीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठी चौधर दिखाउण लई अजिहा काम कीता है। अज असी गवर्नर साहब नूं मिले क्योंकि आ मैं क्लियर शब्दों नाल मैं कहना चाहना, जे पंजाब सरकार आ गलत फैसले ना कर दी अज सिद्धू मूसेवाला जी अपने विच होंदे। आ जेड़ा सिक्योरिटी दा थ्रेट है, जेड़ा सिक्योरिटी दा थ्रेट है, आ एक कमेटी तय करती हुंदी है। चीफ मिनिस्टर नहीं तय करता किनू किन्ने सिक्योरिटी मिलनी चाहिदी है। पंजाब पुलिस दे अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट परसैप्शन की कमेटी है। पहली बार होया कि मुख्यमंत्री केज अपने भगवंत मान ने सू मोटर ऑर्डर करता कि इन्होंने लोगों के सिक्योरिटी खत्म कर दियो। तो सब तो माड़ी गल की कि अखबारों विच ना दिते गए कि इन्हों की सिक्योरिटी अज इन्नी रह गई है, इन्हों की खत्म कर दिती है। जिहड़ी चीज़ एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आम आदमी पार्टी की जो मीडिया इंचार्ज है अरुषी ओदे आउशी ये आ उन्हां दा मोबाइल है जिथों उन्हां दी उन्होंने सारे लोगों के नाम ते किनू किनू किन्नी सिक्योरिटी है घटाई है सारी डिटेल पब्लिक की। भगवंत मान दा देखो अपना आम आदमी पार्टी का पोर्टल है, फेसबुक पेज है, अपनी फोटो ला के झूठी चौधर लैन वास्ते इन्होंने आ देखो लिखिया कीता की है। तीन दिन पहले अखबारों में दिया गया कि सिद्धू मूसेवाले जी की सिक्योरिटी असी खत्म कर दिती है। इस दौरान पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने 424 व्यक्तियों की सुरक्षा घटाई अते इस संबंधी सूचना मीडिया के माध्यम नाल जारी करके वाहवा लुटी, जबकि अजिहा नहीं सी होना चाहिदा। अश्विनी शर्मा ने कहा कि असी राजपाल कोलों मंग कीती है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार नूं तुरंत बर्खास्त किया जाए। उन्होंने DGP के बयान नूं भी बेतुका दसिया। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.